नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। 2014 के आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली बीजेपी राज्यों में भी चुनाव दर चुनाव अपनी जीत का परचम लहराती आ रही है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 22 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से फिलहाल 20 राज्यों में बीजेपी और उसकी गठबंधन सरकार है। लगातार सत्ता से छिटक रही कांग्रेस बसपा का साथ पाने के लिए बेताब है। मायावती को जैसे तैसे पटाने में जुटे हैं कांग्रेसी। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत के अपने मिशन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हाल के कुछ एक उपचुनाव में बीजेपी की हार और कर्नाटक में गठबंधन सरकार बनने के बाद बीजेपी विरोधी दलों में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कांग्रेस के चुनावी शतरंज में फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती सबसे अहम मोहरा नजर आ रही हैं। शायद यही वजह रही कि बेंगलुरु में जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में जब विपक्षी दलों के नेता जुटे तो यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मायावती को बेहद शिद्दत के साथ गले लगाया। कर्नाटक की उस तस्वीर के बाद अब खबर ये भी आने लगी है कि कांग्रेस बसपा के साथ मिलकर इन तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ सकती है। दरअसल कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे इन राज्यों में बसपा की निर्णायक मौजूदगी है, जिसमें कांग्रेस को आशा की किरण नजर आ रही है। फिलहाल तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। आज की इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।